Hello, good morning, India. मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता त्रिपाठी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग इंडियाज नंबर वन स्टडी चैनल पार्ट ऑफ एन एकेडमी नाउ। चलो शुरू करते हैं। जैसा आपको पता है आज से जो है हम लोग इंपॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं। आपने देखा भी होगा थंबनेल में, आपको आइडिया लग गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, MOU, अपॉइंटमेंट और अवार्ड्स। ओके, MOUs के बहुत सारे क्वेश्चंस अभी नहीं मिलेंगे, वो आपको धीरे धीरे और मिलते जाएंगे। आज अपॉइंटमेंट्स और अवार्ड्स के ज़्यादा क्वेश्चन है आज के सेशन में, ठीक है। MOUs के भी जल्दी ही आएंगे, ठीक है। चलो तो अब जल्दी जल्दी फटाफट सभी लोग एक एक बार शेयर कर दो, और आधे से ऊपर बच्चे तो दशहरा मना रहे हैं। चलो शुरू करिएगा, शुरू करती हूँ। मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स बनते हैं आपके, बात कर लो। इसके बाद समय नहीं मिलेगा तुम लोगों को बात करने का, है ना। चलो भाई शुरू किया जाए सेशन को। देखो आज के सेशन में थोड़े से क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो घबराना नहीं। ओके, ऑलमोस्ट एक आर की। अच्छा बाकी है कहाँ, गुड इवनिंग खुश, एक एक बार सेशन को शेयर तो कर दो। 190 बच्चा देख रहा है और मैं इतना मर रही हूँ यहाँ पे, एक घंटे की क्लास लेनी, मुझे बताओ ऐसे कैसे चलेगा। हंड्रेड प्लस क्या होता है। चलो खैर देखो, सबसे पहला सवाल जैसा आपके सामने लिखा हुआ है कि ध्यान से पढ़ना, ध्यान से उसके बाद आंसर करना। ओके, क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान मिशन के तहत अपने काम के लिए बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया। रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, या इनमें से कोई भी नहीं, क्या आंसर होगा। आंसर करना, ठीक है। क्वेश्चन इसकी किसको जो है बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की जो फाउंडेशन है उसने स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 से ऑनर किया है, किसको किया गया है। यस द आंसर इज प्रधानमंत्री मोदी जी, ठीक है, दैट इज नरेंद्र मोदी, इन्हें किया गया है स्वच्छ भारत अभियान के तहत। अच्छा स्वच्छ भारत अभियान क्या है, जैसा हम सभी को पता है स्वच्छ भारत अभियान इज अ मिशन जिसके तहत हम लोग भारत की जो है क्लीनलीनेस पे ध्यान दे रहे हैं। अब जैसा आपको पता है स्वच्छ सर्वेक्षण लीग भी जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो आपकी लीग आती है क्लीनलीनेस की उसके साथ में मर्ज कर दिया है, और 2020 से वो अपना सर्वे शुरू करेगा। अभी फिलहाल में स्वच्छ सर्वेक्षण लीग जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे अपना सर्वेक्षण करता है या फिर सर्वे करता है। खैर हमें जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया गया नरेंद्र मोदी जी को। ओके, अगला क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री को बेस्ट मिनिस्ट्री का अवार्ड दिया गया है स्वच्छता एक्शन प्लान सही से इंप्लीमेंट करने के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, आयुष, डिफेंस, रेलवेज, या इनमें से कुछ भी नहीं। आंसर करते चलो, जो भी लोग देख रहे हो बस आंसर करो। सी द क्वेश्चन वॉज की कौन सी मिनिस्ट्री को बेस्ट मिनिस्ट्री से जो है नवाजा गया है किसके लिए, स्वच्छता एक्शन प्लान को सही से लेने के लिए। द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को दिया गया स्वच्छता एक्शन प्लान सही से इंप्लीमेंट करने के लिए। नाउ
मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन किसके पास में? हरदीप सिंह पुरी जी के पास। ये किसके पास में? श्रीपद यसो नायक। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस किसके पास में बताइएगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अभी फिलहाल में किसके पास में है? हालांकि दिस इज वेरी वेरी इजी, स्टिल यू पीपल कैन आंसर, ठीक है? हु इज हैविंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बताइएगा। और रेलवे जैसा हमें पता है गोयल साहब के पास है। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो कि हु फेलिसिटेटेड स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट फॉर सेक्स रेशियो एंड अवेयरनेस जनरेशन अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात और जागरूकता सृजन के लिए राज्यों और जिलों की किसने सम्मानित किया? निर्मला सीतारमन, स्मृति ईरानी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह या कुछ भी नहीं? वॉट इज द आंसर? आंसर करते चलो सभी लोग। यस ही इज राजनाथ सिंह, सही बता रहा हूं आप लोग। अभी इसमें बताना है इसका क्या आंसर होगा। फटाफट बताते चलना ओके। हाँ प्लस पे मेरी क्लास होगी, कल भी होगी, 9 बजे भी होगी, 12 बजे भी होगी। यस नाउ सी किसको दिया गया है? दिस हैज बीन गिवन बाय स्मृति ईरानी जी, स्मृति ईरानी द्वारा किया गया है। एक और बात, इनके पास में जो है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री दोनों है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा एक क्वेश्चन जो पूछने के चांसेस और पूछा भी जा चुका है कि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था जिससे छोटे मोटे कारीगर अपने सामान को इजीली बेच सके मार्केट में। जो पोर्टल लॉन्च किया था उसका नाम है, ये क्या हो रहा है, reweave.in, ठीक है? ये पोर्टल है जिसको लॉन्च किया था। ओके चलो अगला क्वेश्चन देखो। Who has been given the Lifetime Achievement Award at 19th Annual Asian Achievers Award 2019 in London? London में 19वें वार्षिक Asian Achievers Awards 2019 में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार किससे दिया गया? कृष्णा ओमकार, विपुल वदेरा, अनिल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल या इनमें से कुछ भी नहीं? What is the answer? आंसर बताना, बताते चलिएगा आंसर। Type your answers. What is the answer? Thank you. चलो अब इसका आंसर कर दो पहले, क्या होगा? देखो this was given to Anil Agrawal. Anil Agrawal जो है एक business person है Vedantu के, जो है business personality है related to Vedantu. Vedantu एक company है. Okay. खैर तो answer is Anil Agrawal. अगला question देखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच फिल्म वन द गोल्डन लायन फॉर बेस्ट फिल्म इन 76th एडिशन ऑफ एनुअल वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2019। 2019 के वार्षिक वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के 76वें संस्करण में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए गोल्डन लायन जीता? क्या आंसर है बताइएगा? वॉट इज द आंसर? हाल फिलहाल में ये मूवी बहुत ज़्यादा जो है नाम कमाई है, ठीक है? यस द आंसर इज जोकर। द आंसर इज जोकर, जोकर को मिला है। एक और चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ है इसका ये 76th एडिशन था, ठीक है? 76th एडिशन था। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है Which textile company has awarded with 2019 UNESCO King Sejong Literacy Prize for its program Functional Literacy and Follow-up Vocational Training in National Languages for Farmers in Southern Senegal? ज़्यादा हो गया ना भयानक टाइप का, चलो इस पे आ जाते हैं। किस टेक्सटाइल कंपनी ने अपने कार्यक्रम यूएन दक्षिण सेनेगल में किसानों के लिए राष्ट्रीय भाषाओं से कार्यात्मक साक्षरता और अनुवर्ती व्यावसायिक परीक्षण के लिए 2019 यूनेस्को किंग सेजोंग साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है? किसको किया गया है? व्हाट इज द आंसर? ये बहुत भयानक टाइप नाम है। अब सिंस दिस इज रिलेटेड टू यूएस, ओके सॉरी यूएन और लिटरेसी प्राइस से रिलेटेड है, तो मैंने इसको कंप्लीट रख डाला है। आपको आंसर बताना है, ठीक है? थोड़ा सा भयानक टाइप है बट इतना भी नहीं है दैट यू कांट आंसर। बहुत ज्यादा लंबा सवाल है, बस उसका नाम याद रखी रहना कि ये होगा आपका सोडेफिटेक्स,
ठीक है, अगर कभी भी आता है तो रिमेम्बर द आंसर विल बी सोडाफिटेक्स, दैट इज ए. ओके, फिर देखो अगला. The question is, sweet made of milk named Palkova of which city has recently received geographical indication? GI tag किसको दिया गया है? एक मिठाई जिसका नाम होता है Palkova, ये कहाँ की है जिसको अभी भी GI tag दिया गया है? A, B, C, D या E? इनमें से कुछ भी नहीं. Keep answering. भाई यार ये हिंदी में मैं क्या नाम बताऊँ, इसका नाम पढ़ लो. ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे मैं एक नाम लिख रही हूँ, इस नाम को पढ़ना, क्या हिंदी तुम्हें नहीं आती इसकी? अब बताओ, इसका हिंदी पता नहीं है, इसका हिंदी क्या होगा? या मैंने लिख दिया वही बात है ना, हिंदी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश क्या करते रहते हो? See, this was also very easy. If you people are skipping, ऐसे ऐसे questions skip कर रहे हो तो दिक्कत की बात है बच्चों, ऐसे questions skip मत करिए. ठीक है, GI tag Palkova कहाँ दिया गया था? ये दिया गया था आपका श्रीविलीपत्तूर. ठीक है, ये है आपका श्रीविलीपत्तूर में दिया गया था, जो कि कहाँ की है? जो कि है चेन्नई की. याद रखिएगा इस चीज़ को, Palkova की बात हो रही है, एक मिठाई होती है जो दूध से बनी होती है. ओके, फिर मैं एक बार दोहरा दूँ, GI टैग वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे जो है कहाँ, GI स्टोर एक खुला है जहाँ पे बेचे जाएँ, और GI स्टोर आपको दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे मिलेगा जो कि स्थित है गोवा में. ओके, चलो फिर देखो अगला, ध्यान से देखना क्वेश्चन, किस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, किसकी बात कर रहा है, देन आंसर कि किसको अभी अभी जो है UAE द्वारा हाईएस्ट सिविलियन का अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ जायद 2. ठीक है, क्योंकि उसने जो भारत और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के रिलेशन थे उसको बहुत स्ट्रेदन किया था. मनोज कुमार, भारती, पंकज सारन, नवदीप सिंह सूरी, मुक्ता दत्ता तोमर या कोई भी नहीं, क्या आंसर होगा? आंसर करिएगा. हेलो, सी द आंसर इज किसको दिया गया है, जैसा मैंने आपसे बोला था, ही इज नवदीप सिंह सूरी. नवदीप सिंह सूरी जो कि राजदूत थे भारत से UAE तक के. ओके, और एक और बात कि ये जो है ना नवदीप सिंह सूरी पहले हुआ करते थे, इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत ही अच्छे दोनों कंट्रीज़ के संबंध रखे हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा रहा है. और ये भी आप लोग देख सकते हो कि UAE में जो थर्ड लैंग्वेज आइडेंटिफाई की गई थी, जो कि ऑफिशियली बताई गई थी, दैट वॉज हिंदी, हिंदी को किया गया था. इसके साथ ही साथ जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वॉज दैट कि UAE जो है अपना इस समय भारत के साथ में रिलेशन और स्ट्रॉन्ग करने पर रहा है. ओके, UAE ने अपना जायद मेडल का अवार्ड जो था वो भी किसे दिया था? मोदी जी को दिया था. काफ़ी कुछ रहा है, इस लिन को दिया गया है क्योंकि इनके कार्यकाल में बहुत ही अच्छे रिलेशन बने हैं. एक और चीज़ जो हमें जानना चाहिए वो ये कि इनकी जगह अब कौन आने वाले हैं, इनको जो रिप्लेस करने वाले हैं वो हैं पवन कपूर. ओके, चलो अगला देखो, क्वेश्चन है, Where was 23rd session of United Nation World Tourism Organization General Assembly for 2019 held? 2019 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन महासभा का 23वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली, वॉशिंगटन, बीजिंग, सेंट पीटर्सबर्ग, ये इसमें से कुछ भी नहीं. ओके, जो भी लोग पहली बार अटेंड कर रहे हो, वेरी वेरी वेलकम. ओके, और भी लोगों को सजेस्ट करो ताकि और भी लोग जान सकें क्लास के बारे में और जनता बढ़े, बताइएगा. ठीक है, व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन जो पूछा गया ध्यान से देखना, देन टेल मी द आंसर. सी द आंसर इज सेंट पीटर्सबर्ग. ठीक है, द आंसर इज सेंट पीटर्सबर्ग. अब एक चीज यहां जो हमें दिख रही है वो है कि UNWTO का फुल फॉर्म क्या है, जैसा हम देख सकते हैं यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है. मे बी आपसे पूछ ले कि इसका हेड ऑफिस कहाँ पर होता है, इसका हेड ऑफिस आपका कहाँ पर होता है? मैड्रिड स्पेन.
ठीक है, हो सकता है पूछ लिया जाए। चलो अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, हु वन द एमनेस्टी इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड फॉर कॉन्शियंस अवार्ड फॉर ईयर 2019 अलोंग विथ फ्राइडेज फॉर फ्यूचर यूथ मूवमेंट। वर्ष 2019 के लिए फ्यूचर यूथ मूवमेंट के लिए शुक्रवार के साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल एम्बेसडर ऑफ कॉन्शियंस अवार्ड किसने जीता? ग्रेटा थनबर्ग, जिलियन मार्श, मारिया गुनेव, एनी लियोनार्ड या इनमें से कुछ भी नहीं? क्या आंसर होगा? यस, इसका आंसर क्या होगा? ग्रेटा थनबर्ग। ओके, द आंसर इज ग्रेटा थनबर्ग। जैसा हमें पता है कि अभी इन्होंने एक लाइन बोली थी, हाउ डेयर यू, उसके बाद से क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गई थी। अब बहुत लोग कहने लगे कि ग्रेटा ने सिर्फ हाउ डेयर यू बोला, इतनी फेमस हो गई और ये इतने दिन से प्लांट कर रहे हैं, उतने दिन से प्लांट कर रहे हैं, फेमस नहीं हुए। तो यार हर जगह कंपैरिजन की जरूरत थोड़ी ना है कि इनको भी फेमस करो, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन हर जगह कंपेयर करके हर चीज़ को निगेटिव ले जाना बहुत गलत बात है। ग्रेटा थनबर्ग ने जो किया वो गलत नहीं था, ये भी एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनवायरमेंट के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, वो बहुत सही बात थी। ठीक है, तो इस अवार्ड को किसने जीता है? ग्रेटा थनबर्ग ने जीता है। ओके, यस, हाउ डेयर यू। चलो अब तुम लोग गलत आंसर करोगे तो आई विल से हाउ डेयर यू। फिर देखो क्वेश्चन देखो, हु वॉज अवॉर्डेड विथ एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2019 बाई फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस इन सैन जोस कैलिफोर्निया यूएस फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इम्पार्टिंग एजुकेशन टू नीडी स्टूडेंट्स। बहुत लंबा हो जाता है ना क्वेश्चन ये, चलो इसको हिंदी में पढ़ दें। हिंदी में लिखा हुआ है, जरूरतमंद छात्रों को शिक्षा प्रदान करने की दिशा में योगदान के लिए सैन जोस कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस द्वारा शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? अच्युता समानता, आशीष राजपाल, कपिल सिब्बल, आनंद कुमार या कोई भी नहीं? क्या आंसर होगा? सुपर 30 आनंद कुमार। यस, क्लियर नहीं हुआ? अरे देखो भाई, एक संस्था है ठीक है, जिसने एक अवार्ड दिया है, किसका? एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड। इससे किसको नवाजा गया है, यही समझ लो सीधे सीधे, किसको? आनंद कुमार जी को। ठीक है, किसको नवाजा गया? आनंद कुमार जी की। ओके, नाउ ये कौन थे? ऋतिक रोशन, आनंद कुमार। वाह, मतलब आनंद कुमार भी रोएंगे दो मिनट सुन के। आनंद कुमार कौन थे? सुपर 30 के फाउंडर थे। ठीक है, तो इन्हें दिया गया है, ये आपका मिक्स है, मिक्स बोले तो जुलाई अगस्त सितंबर का मिक्स है, बिकॉज पिछले वाले ज़्यादा मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जा चुके हैं, अभी आने वाले आने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो अभी मैंने पहले ये रखा है, इसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, चलो अगला देखो, देखो सवाल देखना, नेम द इंडियन राइटर हु वॉज अवॉर्डेड विथ एशियन वर्जन ऑफ नोबल प्राइज, यानी कि रमन मैक्सेसे अवार्ड फॉर हार्नेसिंग जर्नलिज्म टू गिव वॉइस टू वॉइसलेस। उस भारतीय लेखक का नाम बताइएगा जिसे नोबेल पुरस्कार से एशियाई संस्करण 2019 के रमन मैक्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया, ताकि आवाज़ की आवाज़ देने के लिए पत्रकारिता का दोहन किया जा सके। ठीक है, इज ही अ राइटर? यस, यस, द आंसर इज रवीश कुमार। ठीक है, रवीश कुमार। ठीक है, अच्छा इसके साथ ही साथ इन्हें अभी कुछ दिन पहले एक और अवार्ड मिला था पत्रकारिता के लिए। कौन सा अवार्ड था? पहला वर्जन है उस पत्रकारिता अवार्ड का। अभी कुछ दिन पहले इन्हें इसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड मिला था, वो भी अगर आपको याद हो तो बताइएगा। मैंने बोला इसके साथ इन्हें एक और अवार्ड मिला था, अगर किसी को भी पता हो तो बताना जरूर। देखो अगला सवाल है, कौन से भारतीय क्रिकेटर को भारत गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? कौन से भारतीय क्रिकेटर को भारत गौरी लंकेश, वेरी गुड। ओके, किसको जो है सम्मानित किया गया है अभी गौरव अवार्ड से? क्या आंसर होगा? भारतीय गौरव अवार्ड।
चलो चलो बताते चलो बताते चलो फटाफट. यस, तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसको दिया गया है. ओके, भारत गौरव अवार्ड किसको दिया गया है? काफी दिन से ये बात चल रही है और ये एक बार और मैंने ही अपने सेशन में इस क्वेश्चन को कराया था. द आंसर इज कपिल देव. कपिल देव जी को जो है मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है? भारतीय गौरव अवार्ड मिला है. ओके, चलो आगे बढ़ा जाए. फिर देखो, हु बिकेम सेकेंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एज पर ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स. एक इंडेक्स है, एक सूचकांक है जिसका नाम है ब्लूमबर्ग बिलियनेयर. इसके हिसाब से विश्व का दूसरा सबसे अमीर आदमी कौन है? जेफ बेजोस, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, बर्नार्ड अर्नोल्ट या इनमें से कोई भी नहीं? क्या आंसर होगा? व्हाट इज द आंसर? टाइप योर आंसर्स. जैसे क्वेश्चन है ना वैसे आंसर करना शुरू कर दिया करो. देखो ध्यान से पढ़ना, किसकी बात कर रहा है? सेकेंड रिचेस्ट की बात कर रहा है, फर्स्ट नहीं बोल रहा है, सेकेंड बोला उसने. क्या आंसर है? व्हाट इज द आंसर? यस, अब लगभग आप लोग सही सही बता रहे हो. ठीक है, देखो द क्वेश्चन वॉज कि सेकेंड कौन बना है. सेकेंड हुए हैं आपके बिल गेट्स, नॉट मुकेश अंबानी. ठीक है, और पहले पे कौन है? जेफ बेजोस. उसके बाद है बर्नार्ड अर्नोल्ट. ओके, ये ऐसे सीरीज थी, ये पहले, ये दूसरे, ये तीसरे. बिल गेट्स किसके खोज करता है? बिल गेट्स किसके खोज करता है? क्या आंसर होगा? हाँ, द क्वेश्चन इज बिल गेट्स किसके खोज करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है. नहीं यार, अंबानी नहीं है इसमें, फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं मिलेंगे आपको अभी. यस, माइक्रोसॉफ्ट. ओके, चलो आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन है हमारा कि नेम द इंडियन ट्रांससेक्सुअल वुमेन हु वन द ब्यूटी पेजेंट टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 हेल्ड इन पोर्ट लुइस मॉरिशियस. उस भारतीय ट्रांससेक्सुअल महिला के नाम बताइए जिसने मॉरिशियस के पोर्ट लुइस में आयोजित मिस वर्ल्ड डाइवर्सिटी 2019 का ब्यूटी पेजेंट खिताब जीता है. पृथिका यशिनी, नाज जोशी, सत्याश्री शर्मिला, ज्योति मुंडल या इनमें से कुछ भी नहीं? क्या आंसर होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने. अभी इसका आंसर करना शुरू कर दो. अच्छा, विंडोज को तुम लोग खिड़की कह रहे हो, मैं सोच रही हूँ खिड़की क्यों लिख रहे हैं सब तब से. ठीक है, ओके, देखिए, यस द आंसर इज नाज जोशी. नाज जोशी, ये इनकी तीसरी जीत हुई है. इसके पहले भी इन्हें मिल चुके हैं डाइवर्सिटी रिलीजन से, इन्हें और भी अवार्ड्स मिल चुके हैं. ठीक है, द आंसर इज नाज जोशी. ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग. अगला क्वेश्चन है, हु टॉप्ड 2019 फोर्ब्स मैगजीन हाईएस्ट पेड वुमेन इन स्पोर्ट्स लिस्ट. ठीक है, सबसे अधिक भुगतान वाली महिलाओं में कौन बनी है फोर्ब्स पत्रिका के हिसाब से खेल सूची में? सिमोना हेलेप, एंजेलिक कर्बर, नाओमी ओसाका, सेरेना विलियम्स या इनमें से कोई भी नहीं? व्हाट इज द आंसर? आंसर करते चलो, आंसर करते चलो, और शेयर भी कर देना अगर आपसे हो पाए तो. ओके, यस, द आंसर इज सेरेना विलियम्स. ठीक है, सेरेना विलियम्स. अच्छा, आप लोग सेरेना विलियम्स तो लिख रहे हैं, इसके साथ ये भी लिखिए कौन से देश की हैं, कौन से देश की हैं. बिसाइड में आपको एक बात बता दूं कि सेरेना विलियम्स को ये अवार्ड मिला है, इसके साथ ही साथ इनका जो 23वां ग्रैंड स्लैम ये विनर है. ठीक है, ये 23 टाइम्स ग्रैंड स्लैम विनर रह चुकी हैं, तो इनका नाम बहुत किसकी बात, सॉरी सिमोना हेलेप पे कर दे, दैट इज फॉर सेरेना विलियम्स. ठीक है, ये रही हमारी, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी. ठीक है, शी हैज बीन 23 टाइम्स. ठीक है, यस, चलो आगे बढ़ते हैं. अगला क्वेश्चन है हमारा, ए
At what position PV Sindhu placed only Indian women athlete in top 15 2019 Forbes magazine highest paid women in sports list? Sports list में PV Sindhu को कौन से rank पर रखा गया है Forbes पत्रिका में जो कि एकमात्र भारतीय महिला athlete हैं? कौन सी position पर हैं? 12, 13, 15, 10th. What is the answer? आंसर करते चलो ठीक है. यस द क्वेश्चन वाज कौन सी पोजीशन पे रखा गया. अभी आपको जैसा पता है कि इनकी अभी पहली बार भारत में कोई बैडमिंटन में एक महिला जो है गोल्ड जीती है पहली बार ठीक है. और नाओमी ओजुहारा को इन्होंने क्या किया हराया जो कि जापान की थी. इनकी जो पोजीशन हो गई है वो फिलहाल में क्या हो चुकी है 13th हो चुकी है. शी इज ऑन 13th पोजीशन. ओके अगला देखो फिर अगला है किसने जो है MOU साइन किया है कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ ताकि फॉर द कमेंसमेंट ऑफ नेवल एयर ऑपरेशंस. नौसेना वायु संचालन के प्रारंभ के लिए कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ किस इकाई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. नेवल एयर एनक्लेव नेवल एयर एंटिटी एजेंसी एयरक्राफ्ट या कुछ भी नहीं. बताओ बताओ बताते चलो बताते चलो. द क्वेश्चन इज नेवल एयर एनक्लेव एजेंसी वेजेंसी नहीं है बेटा. द आंसर इज नेवल एयर एनक्लेव. ओके इन सब को देखो कुछ सवाल ऐसे होते हैं ना जिसको लो और दवाई की तरह मुंह में रखो पानी डालो और निगल लो. ऐसा निगलो कि तुम्हारे अंदर असर करे. असर कैसे करेगी कि तुम्हें वो याद रहे तुम्हारे जहन में बैठा रहे कि अगर एग्जाम में आता है तो मैं इसका आंसर कर लूं. ओके तो कुछ को ऐसी दवा की तरह निगल लिया करो कि तुम्हारे जहन में बसा रहे और तुम्हें ठीक करता रहे तुम्हारे सिलेक्शन तक तुम्हें ले जाए. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन है हु प्रेजेंटेड द पोषण अभियान अवार्ड्स फॉर ईयर 2018-19. वर्ष 2018-19 के लिए पोषण अभियान पुरस्कार किसने प्रस्तुत किया. नरेंद्र मोदी अमित शाह स्मृति ईरानी निर्मला सीतारमण या कोई भी नहीं. व्हाट इज द आंसर. और एक और बात सुनो जब भी कोई आंसर तुमसे गलत होता है ना तो उसको दो तीन बार सोचा करो और दो तीन बार लिखा करो तो खुद ब खुद याद हो जाता है. कुछ भी आंसर गलत हुआ उसे दो तीन बार सोचो और कमेंट में उसको क्या करो कॉपी करके पेस्ट करो तीन चार बार लगातार. अगर तुम लोगों के ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं ना तीन चार बार लगातार तो मैं समझ जाऊंगी ये वाला गलत था उससे तुम्हें याद हो जाएगा. ओके ठीक है तो क्वेश्चन वॉज कि पोषण अभियान अवार्ड किसने प्रेजेंट किया है. ये प्रेजेंट करने वाले कौन थे. She was स्मृति ईरानी. ओके पोषण अभियान है क्या. पोषण वही जो आप लोग कहते हो ना नेशनल न्यूट्रिशन मिशन. नेशनल न्यूट्रिशन मिशन इज पोषण अभियान. इसमें बेसिकली क्या है ना जैसे भारत में जो है बच्चे जच्चा बच्चा उन लोगों की हालत बहुत खराब रहती है ग्रोथ रुकी रहती है उम्र बढ़ रहा है लेकिन ग्रोथ नहीं बढ़ रही क्योंकि वो कुपोषित हैं. उसी कुपोषण को दूर करने के लिए क्या किया गया है. उसी को दूर करने के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया गया. पिछले साल इसको लॉन्च किया गया था. इसी के तहत जो अवार्ड दिया गया ये दिया गया है स्मृति ईरानी द्वारा दिया गया है. ठीक है चलो अगला देखो. अगला क्वेश्चन है नेम द फर्स्ट एशियन हेडक्वार्टर्ड बैंक विच वॉज नेम्ड एज वर्ल्ड्स बेस्ट बैंक एज पर यूरोमनी. यूरोमनी के हिसाब से यूरोमनी एक संस्था है अंग्रेजों की लंदन में. इसके हिसाब से कौन सा ऐसा एशियन एशिया में स्थित बैंक है जिसको विश्व का बेस्ट बैंक बताया गया है. DBS बैंक OCBC स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिटी या इनमें से कोई भी नहीं. वेरी गुड लिखते जा दो तीन बार लिख देना. ठीक है बैटरी खत्म हो रहा है तो चार्ज पे लगा लो फोन. देखो ये जो सेशन होता है ना इसको कोशिश किया करो कि लाइव अटेंड करो. लाइव में तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है इसलिए कहती हूँ. ऐसे GA के सेशन जो करंट होता है ना वो हमेशा लाइव किया करो बाद में बोर हो जाओगे. यस द आंसर इज DBS बैंक. ठीक है DBS बैंक ऑफ सिंगापुर ये आंसर होगा आपका. ओके यस डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर. ठीक है चलो आगे बढ़े हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
who presented the fourth edition of annual Anubhav Award. अनुभव अवार्ड का जो चौथा संस्करण हुआ है इसको किसने दिया? संतोष गंगवार, श्रीपद नायक, जितेंद्र सिंह, हर्षवर्धन या कोई भी नहीं? क्या आंसर होगा? 4 months are actually sufficient. अगर आपको पिछला थोड़ा सा भी याद है ना तो 4 months आपके लिए कुछ ज्यादा नहीं है. सही है बिल्कुल. What is the answer? This is not so tough. This is actually ईजी, आसान सा सवाल है. सी ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था जितेंद्र सिंह द्वारा. ठीक है, जितेंद्र सिंह द्वारा. बात करें अगर हम लोग अनुभव अवार्ड्स की तो ये क्यों दिया जाता है? जो भी बूढ़े लोग हैं, जो भी लोग पेंशनर्स वगैरह हैं, उनकी जो पेंशन्स की नीड है, जो ग्रीवांसेज हैं, क्या वो सही से चल रहा है? कौन सी संस्था ने बिल्कुल सही समय पे उनका पेंशन दिया है, उनके ग्रीवांसेज को सही से लिखा है, सब कुछ देखते हुए जो है अनुभव अवार्ड दिया जाता है. इस बार उसका फोर्थ सेशन था, फोर्थ एडिशन था, संस्करण था, जो कि दिया गया है जितेंद्र सिंह द्वारा. अब आप ही लोग बताओगे कि जितेंद्र सिंह के पास कौन सा मंत्रालय है, जितेंद्र सिंह जी के पास में कौन सा मंत्रालय है? आंसर करना जितने भी लोग देख रहे हो, फटाफट फटाफट. जीतू लो, जैसे घर के बगल में रह रहे हैं, तुम लोग सुधर जाओ. आंसर करना, कौन सी मिनिस्ट्री है जितेंद्र सिंह जी के पास? रीजनिंग बेटा आपकी क्लास होती है 2 बजे से. पुनीत सर क्लास लेते हैं 2 बजे से. ठीक है, चलो बेटा ये सेशन अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत हो तो अभी हम लोग हैं स्लाइड 23 पे और अभी हमारे पास 22 स्लाइड्स और हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट आपका 1.5 आवर्स होगा, यानी 1.5 घंटे लगभग. यानी ये सेशन आपका ख़त्म होगा कुछ 7 के आसपास. अगर आप लोग सही सही रहो, कोई दिक्कत ना हो तो आई कैन कंटिन्यू, एल्स आई विल क्लोज. ठीक है, चलो अगला देखो क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है, विच मिशन्स पोर्टल फॉर अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर वन स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अफोर्डेबल क्रेडिट एंड इंटरेस्ट सबवेंशन एक्सेस के लिए किस मिशन का पोर्टल 2019 स्कॉच गवर्नेंस गोल्डन अवार्ड जीता? कौन सी मंत्रालय का जीता है बताइएगा. बहुत लंबे लंबे इसके मैं तो कंटिन्यू कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना उसको ना रोकते रहेंगे उतना आगे ज़्यादा जाता जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है ना. यस, अच्छा देखो इसका आंसर क्या होगा. इसका आंसर होगा आपका NULM. ठीक है, यानी कि नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन. इसको जो है दिया गया दीनदयाल अंत्योदया योजना को दिया गया है स्कॉच अवार्ड. ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, वो भी जब हम लोग बात करते हैं ना आरआरबी के पेपर्स में, कोई भी क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड हो, रिलेटेड टू रूरल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे क्वेश्चन बना बना के पूछता रहता है, तो ऐसा आप लोग याद रखना. अच्छा अब जैसे देखो, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जितेंद्र सिंह जी कौन सी मंत्रालय देखते हैं, तो कई के बाद हम लोगों को एक सेंटेंस में उसका आंसर मिल जाता है. उन्होंने क्या दिया था? अनुभव अवार्ड दिया था. फॉरवर्ड फॉर बेटर डिलीवरी फॉर पब्लिक ग्रीवांस फॉर पेंशन, तो ऑब्वियसली वो उसी से रिलेट करते होंगे, तो उससे आप लोग समझ सकते हो कि हाँ ये कौन सी मिनिस्ट्री देखते होंगे. ठीक है, चलो अगला देखो. हु वॉज अपॉइंटेड एज 20th गवर्नर ऑफ नागालैंड. नागालैंड के 20वें गवर्नर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? आर एन रवि, कृष्णकांत पॉल, पद्मनाभा आचार्य, अश्वनी कुमारिया, इनमें से कोई भी नहीं. वॉट इज द आंसर?
Yes, the answer is R.N. Ravi. R.N. Ravi ji ko jo hai niyukt kiya gaya. So the answer is R.N. Ravi. ठीक है, नागालैंड की बात हम लोग कर रहे थे. ठीक है, चलो आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रोमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड. ठीक है, किसको जो है DPIIT का सेक्रेटरी बनाया गया है? श्रीपद येसो नायक, गुरुप्रसाद मोहपात्र, मुख्तार अब्बास नकवी, कृष्णा पाल, या इनमें से कोई भी नहीं. व्हाट इज द आंसर? यस, R.N. रवि वॉज करेक्ट. बिल्कुल सही बताया था आप लोगों ने. अब इसका आंसर ही बता दीजिएगा. सी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखिएगा, पहले एक दूसरी जो है डिपार्टमेंट हुआ करती थी DIPP. ठीक है, पहले दूसरी डिपार्टमेंट हुआ करती थी DIPP, उसी को चेंज करके DPIIT आ गया, जो कि बेसिकली काम क्या करता है, जितने भी आपके जो फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड हैं, जो भी इन्वेस्टर्स वगैरह हैं, उनको देखने का ये काम करता है, किस तरह से इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाए, ट्रेड को प्रमोट किया जाए. ठीक है, तो इसके आपसे पूछा है कि किसको सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था. ही इज गुरुप्रसाद मोहपात्रा. ओके, DPIIT का फुल फॉर्म जरूर आप लोगों को रट लेना चाहिए क्या होता है. ओके, इसके पहले ये आपका DIPP हुआ करता था. क्वेश्चन तो अच्छे हैं बट मुझे नहीं आ रहे हैं. ये तो वही हालत है ना, खाना तो अच्छा है लेकिन मेरा व्रत है, ऐसे थोड़ी चलता है. चलो अभी नहीं आ रहे, एग्जाम में होता जाएगा. ओके, खैर, तो देखो क्वेश्चन था, इंडियन सिविल अकाउंट सर्विस ऑफिसर जो कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स अभी भी बनाए, इनका नाम क्या है? राव साहब दानवे, बाबुल सुप्रियो, गिरिराज प्रसाद गुप्ता, रामदास अथावले, या कोई भी नहीं. आंसर करो. यस, द आंसर इज गिरिराज प्रसाद गुप्ता, दैट इज 3. ओके, आगे बढ़े. अगला क्वेश्चन देखो, टू विच गवर्नमेंट एजेंसी राकेश अस्थाना वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल. राकेश अस्थाना को कौन सी सरकारी एजेंसी का महानिदेशक के रूप में चुना गया है? नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो, CBI का, NIA का, इंटेलिजेंस ब्यूरो, या इनमें से कुछ भी नहीं. वॉट इज द आंसर? इनको किसका चुना गया है? आंसर करो थोड़ा जल्दी. यस, द आंसर इज नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, NCB. ओके, द आंसर इज NCB. ओके, चलो आगे बढ़े हम लोग. इतने बीच में किसी को कोई दुख, परेशानी, दिक्कत, समझ नहीं आ रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ ऐसा दिक्कत जो मुझे कल से चेंज करना चाहिए? NCB लॉक्ड, वेरी गुड, NCB बिल्कुल सही था. नार्को, ओके, बहुत प्रसारण बहुत लेट जा रहा है आप लोगों तक. अगला देखो, हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑपरेशन इन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ठीक है, जो ऑपरेशन में किसे डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है HAL में? CB अनंत कृष्णा, R माधवन, MS वेलपरी, VM चमोला, या इनमें से कुछ भी नहीं. चलो, क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसको जो है अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल HAL का. व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज MS वेलपरी.
ठीक है, द आंसर इज एम एस वेलपुरी। ठीक है, अब देखो ये रहे, दो हेलीकॉप्टर्स होते हैं, वन इज चेतक एंड वन इज चिनूक। टू टाइप्स ऑफ हेलीकॉप्टर्स आते हैं, वन इज चेतक एंड वन इज चिनूक। चेतक जो है वो HAL करता है और चिनूक जो है वो बोइंग करती है, USA की कंपनी है। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। चेतक कौन करता है? चेतक करता है हमारा HAL। दैट इज नेम रिलेटेड टू इंडिया, भारतीय प्रथा से रिलेटेड है, तो हम लोग को याद रहेगा। ठीक है, और वो जो है चिनूक, चिनूक करता है बोइंग, USA की कंपनी, जो कि चॉपर हेलीकॉप्टर है। अब एक बात और याद रख लेना कि बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूं। अच्छा सुनो, एक और बात आप लोग याद रखना कि HAL ने 8 चेतक हेलीकॉप्टर देने को कहा है, किसे? हमारी भारतीय सेना को 2020 तक। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, टू विच एंटिटी सिद्धार्थ मोहंती वॉज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती को किस इकाई में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, PNB, या इनमें से कोई भी नहीं। वॉट इज द आंसर? करते चलो आंसर करते चलो। ओके, कहां का जो है इन्हें नियुक्त किया गया है? गलत आंसर बता रहे हो तुम लोग। द आंसर इज LIC हाउसिंग फाइनेंस। ठीक है, LIC हाउसिंग फाइनेंस में इन्हें जो है नियुक्त किया गया है। दिस, अच्छा एक बात बताओ, जितनी भी हमारे देश में हाउसिंग कंपनीज हैं, इनका रेगुलेटर कौन है? जितनी भी हमारे देश में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका रेगुलेटर कौन है? देखो ये सभी बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है। बैंक का कोई भी बच्चा है तो वो इसे बिल्कुल देखे, क्योंकि उसमें आएगा। तुम लोग ऐसे क्यों सोचते हो कि IBPS में आएगा, इसमें आएगा, सब में आता है यार। सी अगला क्वेश्चन देखो, किसको जो है हाई कमीशन नियुक्त किया गया है रिपब्लिक ऑफ सिप्रस के लिए 2 अगस्त को? मधुमिता हजारिका भगत, नवीन श्रीवास्तव, रेणुपाल, अलोक कुमार सिन्हा, या कोई भी नहीं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी का रेगुलेटर है RBI, NHB नहीं है, वही बताना था, इसलिए पूछ रही थी। सी द क्वेश्चन वॉज, चलो बहुत अच्छी बात है, जिसका जिसका सही है, सोनम कुमारी, वेरी गुड। ठीक है, देखो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सिप्रस के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका मधुमिता हजारिका भगत। इसके पहले कौन थे? अगर आपसे ये पूछता है तो आप लोग याद रखिएगा, RK बागवान जी इसके पहले, RK राघवान जी इसके पहले हुआ करते थे। अभी जो फिलहाल में है ये है मधुमिता हजारिका भगत, इसके पहले थे RK राघवन। ओके, फिर देखो अगला क्वेश्चन है कि हुज टेन्योर एज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SBI वाज एक्सटेंडेड टू अनदर 2 इयर्स। किसे जो है प्रबंध निदेशक के रूप में जो उनका कार्यकाल था उसको अगले 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? चंदन सिन्हा, बसंत सेठ, दिनेश कुमार खरा, राजीव कुमार, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा? बताइएगा। यस, द क्वेश्चन वॉज कि किसका जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दिनेश कुमार खरा। ओके, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और अगली जो चीज है, जो अगला इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही इज रजनीश कुमार, और हैज ही चेंज, आप लोग बताइएगा। ओके, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, टू विच कंट्री गोटूराम मीना वॉज अपॉइंटेड एज नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया। ठीक है, गोटूराम मीना को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? अंगोला, रवांडा, नाइजेरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, या कोई भी नहीं। आंसर करना होगा। द क्वेश्चन इज की
गोटूराम मीना को कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया है? ये अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा इनका जो नाम है वो चल रहा था, ठीक है? तो द आंसर इज कहाँ का किया गया है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, दिस एक अफ्रीकन कंट्री है, यहाँ पे इनको सेलेक्ट किया गया। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज 51st प्रेसिडेंट ऑफ ग्वाटेमाला? ग्वाटेमाला का 51वें राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? मारियो एस्ट्राडा, एलिजांड्रो एडुआर्डो गियामथी फाला, जो भी है यार, सांड्रा टोरेस, जूरी रॉयस, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या आंसर है? आंसर करते चलो, थोड़ा स्पीड से किया करोगे। सी, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका जो भयानक टाइप का नाम है ना, जिनका नाम मैं नहीं ले पा रही थी और आप लोग भी नहीं ले पाएंगे, इतना आसान नहीं है, मजाक नहीं है इनका नाम। दिस इज द आंसर। ओके, चलो आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु वॉज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंस दिस इज रिलेटेड टू हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years, ऑन 14 अगस्त 2019, 14 अगस्त 2019 को 5 साल की अवधि के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बलराम भार्गव, रणदीप गुलेरिया, अरुण सिंघल, हर्षद पंडुरंग ठाकुर, या इनमें से कोई भी नहीं। हाँ, ये नेम एक्चुअली डेंजरस है गौरव, ऐसे नाम, हिमांश सिंह इज आस्किंग, ऐसे नाम कौन रखते हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है, जब बाहर वो लोग मेरा भी नाम लेते होंगे तो सोचते होंगे ये कैसा नाम है, इसका क्या नाम रखा गया है। बाहर छोड़ो, भारतीय भी तो दूसरों का नाम सही से नहीं लेते हैं। यस, द क्वेश्चन वॉज कि किसको जो है डायरेक्टर बनाया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का? इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज हर्षद ठाकुर, हर्षद पंडुरंग ठाकुर। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आपसे पूछेंगे और तब आपको बहुत टफ लगता है, यहाँ पे कराया जा रहा है तो आप लोगों को इसकी कीमत नहीं जल्दी समझ आती है, जिसको आती है बहुत अच्छी बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ, लेकिन जिसको नहीं आती है समझो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखो, हु वॉज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ पेटीएम ऑन अगस्त 19 को पेटीएम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विजय शेखर शर्मा, पल्लवी श्रॉफ, रवि ऑडस सुमली, मधुर देवरा, या इनमें से कोई भी नहीं। मिलता नहीं है, मेरा नाम सेम है, बस हमारी टाइटल डिफरेंट है। ओके, तो क्वेश्चन वॉज की पेटीएम का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया है? किसे बनाया गया है? द आंसर इज मधुर देवरा। ओके, अब एक बात बताइएगा कि भरोसा सेविंग अकाउंट किसने अभी लॉन्च किया है? भरोसा सेविंग्स अकाउंट किसने लॉन्च किया है? जो भी लोग देख रहे हो आंसर करना, ठीक है? रितु मान, ओके, यू हैव आंसर्ड करेक्टली। चलो अब देखो, हु वॉज अपॉइंटेड एज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी? देखो ये बहुत ही खतरनाक टाइप की पोस्ट होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है सबसे पावरफुल पोस्ट होती है, ठीक है? किसने अभी अभी इसको ग्रहण किया है? राजीव गौबा, अजीत सेठ, पीके सिन्हा, कमल पांडे, या कोई भी नहीं। चलो द क्वेश्चन इज की, हाँ जी, माई क्वेश्चन इज की कैबिनेट सेक्रेटरी किसे अपॉइंट किया गया है? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द आंसर इज राजीव गौबा, और इन्होंने रिप्लेस किया है पीके सिन्हा को, ठीक है? राजीव गौबा इज द आंसर एंड ही रिप्लेस्ड पीके सिन्हा, ठीक है? चलो अगला देखो, नेम द IAS ऑफिसर हु वॉज अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ठीक है? डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में किसे जो है चुना गया है हमारे देश में? YN सुधाकर, NR पिल्लई, विष्णु सहाय, अजय कुमार, या कोई भी नहीं। व्हाट इज द आंसर?
आंसर बताइएगा, ठीक है? सेक्रेटरी वेक्रेटरी बहुत पूछता है यार, तो मुझे लगा कि एक बार में अगर सारे में करा दूंगी तो शायद आप लोगों के एग्जाम में कुछ आ जाए। यश पाटिल, एक बार और अपना जो ना है तुम्हारी क्वेरी एक दो तीन बार और लिख दो, मुझे दिखा नहीं, स्क्रॉल कर गया। खैर, क्वेश्चन वॉज की किसे जो है डिफेंस सेक्रेटरी पे अपॉइंट किया गया, इसका आंसर क्या होगा? द आंसर इज अजय कुमार भल्ला, भल्ला साहब को। ओके, अच्छा अभी एक बात बताइएगा, संजय मित्रा कौन थे? सभी लोग बताइएगा। कितने बजे तक क्लास चलेगी? आई डोंट नो, मैं 50 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो मुझे लगता है मैं करा दूँ। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको, जो मैंने लिखा है इसके साथ मिल जाएगी, ठीक है? 50 क्वेश्चंस, अच्छा पीडीएफ मिलेगी, लिख के पूछ के भाग रहे हो तुम लोग, ऐसे नहीं चलेगा। भागना वगना नहीं, चुपचाप से रहो क्लास में, सुनो क्लास चलती जाएगी जब तक है जहाँ। तुम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, क्लास कब तक चलेगी? जब तक है जहाँ चलती रहेगी, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, अभी हमारे पास लगभग 15 स्लाइड है। हाँ, एक्स डिफेंस सेक्रेटरी, वेरी गुड, महेश मौर्या हैज आंसर्ड वेरी करेक्टली, रितु मान इज ऑल्सो आंसरिंग, ठीक है? हु वॉज अपॉइंटेड एज यूनियन होम सेक्रेटरी रिसेंटली? यूनियन होम सेक्रेटरी भल्ला वो नहीं थे, भल्ला आने वाले हैं, ठीक है? यूनियन होम सेक्रेटरी किसे जो है अपॉइंट किया गया था? नृपेंद्र मिश्रा, अजय कुमार भल्ला, संजय कोठारी, आई वी सुब्बा राव, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो क्वेश्चन वॉज की यूनियन होम सेक्रेटरी जो है अभी अभी रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया, इसका आंसर सही कर दो, क्योंकि पिछली बार आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या आंसर होगा। यस, भल्ला साहब यहां पर है, अजय कुमार भल्ला। ओके, ये ओके, अगला देखो, अगला सवाल है, हु वॉज री अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फॉर नेक्स्ट वन ईयर? सीबीडीटी के चेयरमैन एक साल के लिए और किसे दोबारा से नियुक्त कर दिया गया है? पीसी मोदी, रानी सिंह नायर, सुशील चंद्रा, अतुलेश चंदल, या कोई भी नहीं? व्हाट इज द आंसर? संजय मित्रा वॉज डिफेंस सेक्रेटरी, पहले रह चुके डिफेंस सेक्रेटरी हैं, इसलिए मैंने उनका नाम दिया था, ठीक है? देखो फिर से किसको अपॉइंट कर दिया गया, दोबारा से कर दिया गया है, हमारे कहाँ गए? पीसी मोदी, ठीक है? सीबीआईसी के पीके दास जी होते हैं, क्या उन्हें भी किया गया है? देखिएगा आप लोग, ठीक है? सीबीडीटी की हम लोग बात करें, जो भी डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं जैसे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स का एक्ट क्या होता है? 1961 का। सब क्वेश्चन आप लोग याद रखा करिए, ओके? तो सीबीडीटी के चेयरमैन दोबारा से हो गए हैं पीसी मोदी, दैट इज प्रमोद चंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन, नेम द ब्रिटिश जर्नलिस्ट हु वाज अवार्डेड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू यूके इंडिया रिलेशनशिप इन 2019 यूके इंडिया अवार्ड। बहुत भयानक टाइप हो गया, एक बार फिर पढ़ देती हूँ। उस ब्रिटिश पत्रकार का नाम बताइए जिसे 2019 के यूके इंडिया अवार्ड्स में यूके इंडिया संबंध में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। लॉरा कॉसनबर्ग, बोरिस जॉनसन, मार्क टली, रॉय ग्रीनस्लेड, या इनमें से कुछ भी नहीं? ऑप्शन से आंसर वेरी गुड, ये बहुत ज्यादा होता है, ऑप्शन से आंसर बहुत स्ट्राइक होता है, सही बता रहे हो। आंसर करते चलो यस, द आंसर इज मार्क टली। आज मैं जब इनका नाम पढ़ रही थी, आई वॉज टायर्ड, बहुत थक गई थी मैं, बिकॉज मैं कल भी 7 घंटे कल मैं काम की हूं, तो रीजन वॉज आई वॉज बहुत ज्यादा टायर्ड, बहुत थक गई थी, और मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी पीछे के एक दो दिन में। हुआ क्या, मैं इनका नाम पढ़ रही थी, श्री मार्क टल्ली, एंड आई वॉज लाइक मार्क टल्ली के आगे श्री क्यों लगा हुआ है, ये सब बहुत होता है। तो इसलिए मैं बार बार क्या कहती हूँ ना कि आप लोग जब भी एग्जाम हो तो अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो, फिर आगे बढ़ो। अब मैं इनका नाम ऐसे क्यों देख रही थी, बिकॉज आई वॉज ऑन अ फास्ट सिंस लास्ट 9 डेज, 9 दिन से मैं फास्ट की हुई हूँ,
बीमार थी, कल बहुत ज्यादा काम कर ली, तो मैं सर को श्री पढ़ने लगी थी। आपके साथ ऐसा ना हो, आप लोग क्या करो, आप लोग जो है अच्छी डाइट लो, पूरा सो और बढ़िया से पढ़ो, तब जाके होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, पंकज आडवाणी जिन्हें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है जनरल मीटिंग के दौरान, ठीक है, ये कौन से खेल से संबंधित हैं? इन ये क्वेश्चन तो मतलब मुझे लगता है सब बता सकते हो, बिलियर्ड, स्नूकर, शूटिंग, रेसलिंग, बैडमिंटन या कुछ भी नहीं। व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर? Yes, the answer is billiards and snooker. ये एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने दोनों की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है अभी तक, ओके। इसके अलावा कोई अभी तक ऐसा प्लेयर नहीं जो जो कि इतने सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल्स के रिकॉर्ड रखा हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब हम लोग के 10-12 स्लाइड्स और हैं बस, ठीक है। वेयर वॉज 43rd सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी हेल्ड, ठीक है, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 43वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया? बाकू, वॉशिंगटन, नई दिल्ली, मॉस्को या इनमें से कुछ भी नहीं। व्हाट इज द आंसर? देखो द क्वेश्चन वॉज कि ये कहाँ पे किया गया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की कमिटी कहाँ पर हुई है। दिस इज इजी आई सपोज, जो मीटिंग हुई है दैट वॉज हेल्ड इन बाकू, अजरबैजान, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है, नेम द इंडियन सिटी विच इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर इट्स आइकॉनिक एंड आर्किटेक्चरल। अभी अभी कौन से शहर को यूनेस्को की धरोहर यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? ग्रीन सिटी, गांधीनगर, ब्लू सिटी, जोधपुर, पिंक सिटी, जयपुर, व्हाइट सिटी, उदयपुर या इनमें से कुछ भी नहीं। ये तो बहुत इजी है आई सपोज। यस, द आंसर इज पिंक सिटी, जयपुर, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज हार्कैनियन फॉरेस्ट वॉज इंक्लूडेड इन यूनेस्को, ठीक है, फॉर इट्स रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी। अभी जैसा आपको पता है कि अमेजन रेन फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हाल फिलहाल न्यूज़ में था, प्लस इसको यूनेस्को की रिमार्केबल बायोडाइवर्सिटी देखते हुए भी इस फॉरेस्ट को धरोहर जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है। ये कौन से देश में मिलता है हमें हिरकैनियन फॉरेस्ट? रशिया, ईरान, सीरिया, टर्की या इनमें से कुछ भी नहीं। व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताइएगा जो भी लोग देख रहे हो। यस, द आंसर इज ईरान, ठीक है। देन विच एंटिटी हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूड फर्म बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन द्वारा कौन सी इकाई सबसे मूल्यवान फर्म बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी, विप्रो, भारत पेट्रोलियम या इनमें से कुछ भी नहीं। यस, द आंसर इज Reliance Industries Limited. Next question is, किसे जो है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन द्वारा? अमरिंदर सिंह, सुभाषीश बोस, सुनील छेत्री, नरेंद्र गहलोत या इनमें से कोई भी नहीं। What is the answer?
ठीक है। अच्छा जो लोग TCS कह रहे हो ना, अभी देखो मेरी एक दो सेशन और देखते रहो, TCS वाला आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, ठीक है। चलो तो द क्वेश्चन वॉज किसको मिला है, दिस हैज बीन गिवन टू सुनील छेत्री, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है वेयर वॉज 9th एडिशन ऑफ सार्क फेस्टिवल 2000, ध्यान से पढ़ना मेरा क्वेश्चन क्या है, सार्क फेस्टिवल 2019 कहां पर हुई है। सार्क का फुल फॉर्म जैसा हमें पता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। इसका फेस्टिवल 2019 कहां हुआ है, काबुल, कोलंबो, ढाका, माली या इनमें से कुछ भी नहीं। TCS अलग नहीं है, TCS भी एक कंपनी है जो एक्चुअली MCAP में आई थी, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, मैं फिर से कह रही हूँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। बांग्लादेश इज रॉन्ग, बांग्लादेश गलत आंसर है, बांग्लादेश इज रॉन्ग, द आंसर इज कोलंबो श्रीलंका, ठीक है, द आंसर इज कोलंबो श्रीलंका। अच्छा बच्चों एक और बात देखो, जो लोग भी अगर चाहते हो थोड़ा सा और डाउट को अपने क्लियर करना और एक एक करके जो है अपने डाउट सेशंस लेना, वो लोग चाहो तो हमारा प्लस जो है परचेज कर सकते हो, जो आप लोगों को अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप कहाँ से, प्ले स्टोर से, वहाँ पे आप लोग अपना गोल सेलेक्ट कर लेना बैंक और एजुकेटर में वाईफाई स्टडी को, आपको बता दिया जाता है कि कितने कितने मंथ्स की है। जैसे अभी अगर आप लोग 6 महीने की लेती हो तो 4320 रुपीस का है उसका सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए, ओके। वाईफाई स्टडी का कूपन अप्लाई करने पे 10% ऑफ मिलता है, फ़ायदा ही होता है। अरुण सर लोग भी आपको पढ़ाते हैं, फिर मैं भी पढ़ाती हूँ, तो आप सभी लोगों से, अरुण सर की क्लास है, विशाल सर की है, पुनीत सर की है, कंप्यूटर वाले सर की है, मेरी, आप सभी लोगों से अपने डाउट्स को क्या कर सकते हो, क्लियर कर सकते हो, एक एक करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। बहुत सारे सेशंस लगे होते हैं, उसमें बहुत क्लियरली बातें चलती रहती हैं, ठीक है। तो चाहो तो परचेज करके देख सकते हो, ओके भाई। साइलेंट बाबू कौन हो, बस तुमने एक आंसर सही नहीं दिया, बस तुम आगे साइलेंट साइलेंस को भंग कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या बता रहे हो। खैर देखो अगला क्वेश्चन, हु वाज कन्फर्ड विद गांधी मैंडेला पीस मेडल 2019 ड्यूरिंग फर्स्ट एडिशन ऑफ गांधी मैंडेला पीस इनिशिएटिव। गांधी मैंडेला शांति पहल के पहले संस्करण के दौरान गांधी मैंडेला शांति पदक 2019 से किसे सम्मानित किया गया, भुवन लाल, सविता हायरमा, तरीना पाटे, थिच नाथन या इनमें से कोई भी नहीं। हाँ मैं पढ़ा रही हूँ वो तो एनफ ही है, लेकिन इसके अलावा भी वहाँ पे आप लोग ज़्यादा इंटरेक्ट कर लेते हो, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम लोग यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हम अपना बेस्ट देते हैं, पूरी डेडिकेटेड क्लासेस लेते हैं, लेकिन जो भी बचता है ना वहाँ पे आप लोग आओगे तो इंटरेक्शन बढ़ जाता है, आप खुद जो है चेंजेस फील कर लोगे। ठीक है, तो द क्वेश्चन वॉज कि किसको जो है गांधी मैंडेला प्राइस से सम्मानित किया गया है, द आंसर इज थिच नाथ हन, ओके। फिर देखो दो चार क्वेश्चंस बचे हुए हैं, दो चार क्या, आई कैन से गिन के हमारे बच्चे हैं 6, ठीक है, दो और चार मिला दो। देन कौन से इंस्टीट्यूशन को अवार्ड दिया गया है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, जिस तरह से वो सेल्फ हेल्प ग्रुप को हेल्प किए और उन्हें एनकरेज करी है, ठीक है। नाबार्ड द्वारा ये किया गया, रेपको, उद्यम, ईसफ, मधुरा या इसमें से कुछ भी नहीं। चलो द आंसर इज रेपको, यस। देखो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू SHG, इन्होंने जो है SHG को हेल्प करके उनको एनकरेज किया, उनकी लिंकेज को जो है बढ़ाया है, ओके। इसके लिए इनकी परफॉर्मेंस देखते हुए इन्हें नाबार्ड ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया है। SHG जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप कुछ महिलाओं या पुरुषों या चाहे तो जितने भी लोग हो, कोई रेशियो रिक्वायर्ड नहीं होता, चाहो पूरी महिला पूरे पुरुष या मिल के आपस में कुछ ग्रुप्स खोल सकते हो, अपना एक अकाउंट खुलवा लो जिसमें जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने एक दूसरे को टाइम टाइम पर क्या कर सकते हैं, फिनेंशियली हेल्प करके, एक दूसरे की मदद करके कुछ बिजनेस वगैरह इनिशिएट करा सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन हु वॉज क्राउंड विथ मिस डेफ वर्ल्ड 2019 हेल्ड इन बॉम्बेला साउथ अफ्रीका,
ठीक है, पहली भारतीय का नाम बताइएगा जिन्हें मिस डेफ वर्ल्ड 2019 से सम्मानित किया गया। विदिशा बालियान, मार्ली मैथलिन, रिकी पॉइंटर, हेले बेरी या इनमें से कुछ भी नहीं। सी, इसका आंसर क्या होगा? विदिशा बालियान। ओके, देन नेम द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स विंग कमांडर हु परफॉर्म्ड 8500 फीट विंग सूट स्काई डाइव जंप फ्रॉम MI-17V5 हेलीकॉप्टर। पहली भारतीय वायुसेना विंग कमांडर का नाम बताइए जिसने MI-17V5 हेलीकॉप्टर से 8500 फीट की विंग साइड स्काई डाइव जंप प्रदर्शन किया। ये बेसिकली जो है कारगिल दिवस के दिन किया था इन्होंने, और किसने किया था ये बताइएगा। द आंसर इज अगेन इजी, द आंसर इज तरुण चौधरी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, हु वॉज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क एज पर डिसीजन टेकन इन इट्स 10th एनुअल जनरल मीटिंग इन न्यू दिल्ली। किसको अपॉइंट किया गया बताना। ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन किसको अपॉइंट किया गया, किसको किया गया है? यस, मनोज कुमार नाम्बियार। ये मैंने पहले भी करा रखा है आप लोगों को सेशन में। हु वॉज अपॉइंटेड एज इंटरिम लीडर ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ठीक है, क्रिस्टीना लगार्ड जी का टर्म ओवर हुआ है, उसकी जगह पे अभी अंतरिम रूप से कौन लीडर आया है IMF का? डेविड लिप्टन, अमर हावनी, आर्थर जायदरी, जायदान, निकोलस जुवोनिया, इनमें से कुछ भी नहीं। बताना जल्दी जल्दी जितने भी लोग देख रहे हो। द आंसर इज डेविड लिप्टन। और आज का हमारा आखिरी सवाल है कि Who has been appointed as director of Institute of Banking Personnel Selection for a period of 3 years? ठीक है, IBPS का 3 साल के लिए किसे डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है अगले 3 साल के लिए? हरदीश कुमार, मालविका सिन्हा, आनंदा मधुकर, रजनीश कुमार या कोई भी नहीं? आंसर करना सभी लोग। द आंसर इज हरदीश कुमार। ठीक है, चलो, तो ये था हमारा आज का सेशन। ओके, अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा, उसे कल से सुधार लिया जाएगा। ठीक है, कल का हमारा टॉपिक फिर थोड़ा सा वैरी करेगा। आज रात में 12 बजे का सेशन ज़रूर देखना, क्योंकि यहाँ पे आज हम लोग स्कीम्स डिस्कस करने वाले हैं। स्कीम आपके एग्ज़ाम में आती है, और वही स्कीम्स इसमें ज़्यादा भी हैं। रात में 12 बजे की वीडियो ज़रूर देखना आज की, इसमें स्कीम्स डिस्कस होने वाला है। ओके, चलो, तो अगर आपको पसंद आया एक एक बार लाइक कर दीजिएगा, और जो भी दिक्कत है वो बताना। मैं फिर बता रही हूँ, ऐसी कोई क्लास आपको पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलती होगी जो आपको चैप्टर वाइज बताए क्या क्या चल रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए सेशन मेरी प्लस पे 2 चल रही है बच्चों, एक सुबह 9 बजे की, एक 12 बजे की। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, लव यू पीपल, थैंक यू।